आधी रात को जंतर मंतर पर बवाल, कांग्रेस ने उठाए पुलिस पर सवाल, हंगामे में क्यों कूदी कांग्रेस। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों और पुलिस के बीच बुधवार की देर रात काफी हंगामा हुआ। पहलवानों ने पुलिस पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया है, वहीं अब कांग्रेस भी पहलवानों के समर्थन में उतर आई है। अब इस पूरे हंगामे के बाद कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि हमारे देश की बेटियां हैं जिन्होंने देश का मान रखा, हमें कई मेडल लाकर दिए। आज इनके साथ गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस बदसलूकी कर रही है। इनका गुनाह बस इतना है कि ये शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। मोदी जी, आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। गौर हो कि इससे पहले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा बीती रात हुए हंगामे के बाद जंतर मंतर पहुंचे थे, हालांकि पुलिस ने उनको धरना स्थल तक नहीं पहुंचने दिया, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि जब वो पहलवानों से मिलने पहुंचे तो उन्हें जंतर मंतर के बाहरी हिरासत में ले लिया गया और वसंत विहार पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दीपेंद्र हुड्डा के ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें उन्हें पुलिस कर्मियों से बात करते हुए सुना जा सकता है। इसमें वो कहते हैं कि वो पहलवानों से 5 मिनट के लिए मिलना चाहते हैं। फर्स्ट रूप से कहा, फर्स्ट रूप से सबको कहा, मैं केवल एक आदमी जाना चाहता था, अपनी बेटियों का हालचाल पूछ के उनको हौसला देकर और सबसे शांति प्रिय रूप से रहने की अपील करके मैं आना चाहता था। मैंने केवल 5 मिनट का समय मांगा है कि मैं एक अकेला, इन्होंने कहा धारा 144 है, बिल्कुल मैं सम्मान करता हूँ, मैं संवैधानिक पद पे, मैं एक सांसद हूँ देश का। मैंने कहा कि मैं अपनी सिक्योरिटी भी छोड़ के चला जाऊंगा, मैं अकेला आदमी जाऊंगा। अंदर से फोन आया था, अंदर से सब जो अंदर हुआ है वो तो सब दिख रहा है, फोन क्या, मीडिया पे सारे बच्ची अपील कर रही है, अंदर से सोशल मीडिया पे दिख रहा है। हमें फोन की जरूरत नहीं है। ये जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है। जब रक्षक भक्षक बन जाए तो किससे अन्याय की उम्मीद है। दरअसल दिल्ली पुलिस की माने तो ये विवाद तब शुरू हुआ जब सोमनाथ भारती प्रदर्शन स्थल पर फोल्डिंग बेड लेकर आए थे। उनके पास इसकी इजाजत नहीं थी जिसके लिए उनको मना किया गया। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थक बैरिकेटिंग पर आ गए और बेड लेने की कोशिश की, जिसमें विवाद हुआ। वहीं पहलवानों का आरोप है कि वहां पर पुलिस कर्मी शराब पीकर उनके साथ विवाद कर रहे थे और उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने कहा कि हमने उनको बोला है कि वो अपनी शिकायतें दें, जिस पर हम निष्पक्ष जाँच करेंगे। हम उन पुलिस वालों के खिलाफ भी जाँच करेंगे जिनके खिलाफ आरोप है कि वो ड्यूटी के वक्त नशे में थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।